So hello guys, this is Sajid Mahmood and welcome back to another video. Premiere Pro की हमने दो क्लासेस जो हैं वो उनमें हमने कुछ फीचर्स के बारे में देखा. सो बेसिकली आज की जो ये वीडियो है ये Premiere Pro की एक एडवांस क्लास है. सो इस एडवांस क्लास में मैं आपको जिस Premiere Pro के जिस फीचर के बारे में बताने वाला हूँ वो फीचर जो है बेसिकली बहुत सारे लोगों का फेवरेट फीचर है और जिस फीचर ने आई थिंक बहुत सारे लोगों का जो है वो टाइम सेव किया है. सो इस फीचर में बेसिकली है क्या, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे. सो मे बी सम टाइम सम केसेस आपके पास कोई ऐसी फुटेज आ जाती है लाइक जिस फुटेज के अंदर मल्टीपल क्लिप्स हैं बट फुटेज जो है वो एक सिंपल लेयर में है, यानी एक सिंपल वीडियो के अंदर है इस तरह से. सो आपको अब क्या करना है कि लेट्स सपोज अब आपको इसमें से कुछ फुटेजेस चाहिए, ठीक है. सो अब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा फुटेजेस में से आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद ठीक है आपका एक अच्छा खासा टाइम लगेगा उस चीज़ पर. आप क्लिप को ढूंढते हैं, ढूंढ के उस स्पेसिफिक क्लिप के ऊपर आप जाते हैं लाइक के मुझे ये वाला जो क्लिप चाहिए. सो मैं इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग पर जाऊंगा जहां से ये स्टार्ट हो रहा है. सो उस टाइमिंग पर जाने के बाद मैं यहां पर एक कट लगाऊंगा, ठीक है. कुछ इस तरह से मैं यहां पर एक कट लगाऊंगा, ठीक है. और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जहां पर ये क्लिप जो है वो फुटेज एंड हो रहा है सो वहाँ पर भी एक कट लगाऊंगा. सो इस तरह से आई थिंक ये चीज़ काफ़ी टाइम टेकिंग है. यानी अगर एक होल फुटेज, एक कंप्लीट फुटेज के अंदर से आपको 10 वीडियोस चाहिए सो आपको तो वो उस चीज़ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा. लेकिन Adobe प्रीमियर में 2023 में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिस फीचर को यूज़ करके आप अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं. सो Premiere Pro का जो ये फीचर है ये बेसिकली आपको कहाँ मिलता है कि आपने फुटेज को सेलेक्ट करना है. बाय द वे ये मेरे पास फुटेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है. सो मैं आपका और अपना टाइम सेव करने के लिए आपको जस्ट इस फीचर को थोड़ा एक डेमो दे देता हूँ. कि मैं यहाँ पर जस्ट 3 मिनट की फुटेज ले लेता हूँ कोई सी भी जहाँ पर सीन्स ज़्यादा चेंज हो रहे हैं. सो ओके, सो एनीवेज यहाँ पर हमने एक 5 मिनट की फुटेज जो है वो एक्सट्रैक्ट की है और इस 5 मिनट की फुटेज पर मैं वो फीचर अप्लाई करने वाला हूँ. जस्ट आपने फुटेज पर राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद एडिट सीन एडिट डिटेक्शन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. अप्लाई अ कट एट ईच डिटेक्टेड कट पॉइंट्स. आपने जस्ट इसके ऊपर चेक करना है, बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं वो उन पर आपने चेक नहीं करना. आपने एनालाइज पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इस फुटेज को एनालाइज करेगा और आपको आपकी फुटेज के ऊपर सेपरेटली कुछ कट्स बना कर दे देगा जहाँ जहाँ पर फुटेज चेंज हो रही है. सो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है. एनालाइज होने के कंप्लीट होते ही आपके सामने फुटेज आपकी जो है वो कुछ कट्स में डिवाइड हो चुकी है. एंड लुक एट द वीडियो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फुटेज बिल्कुल उस कट पॉइंट पर के जहाँ पर से फुटेज चेंज हुई है उसने आपको उसी जगह पर एक कट दे दिया है. सो एनीवेज यहाँ पर जितनी भी आपकी फुटेज है उसके ऊपर सेपरेटली कट्स लग चुके हैं. कि आप इनको सेपरेटली अब चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. इस प्रोसेस में आई थिंक मैंने अभी तक जो इसको थोड़ा सा एनालाइज किया है, थोड़ा टेस्ट आउट किया है, इसमें मोस्टली आप अगर कोई इस तरह की फुटेज ही यूज़ करते हैं जहाँ पर
फुटेज आपकी एग्जैक्टली चेंज हो रही है। सो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी ऐसी फुटेज पर इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर आपकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा शेकी यानी कि स्टेबलाइज नहीं है, सो ये वहाँ पर मे भी थोड़ा सा उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पाए और उस आपकी फुटेज को प्रॉपरली कट ना कर सके। बट आप इसको एक स्मूथ फुटेज को सेपरेट सीन्स में एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल फीचर। सो एनीवेज ये एक फ़ीचर जो कि एडवांस फीचर प्रीमियर 2023 का है। इसके बाद और भी काफ़ी फीचर्स हैं जिन पर मैं वीडियोस बनाऊंगा डेफिनेटली। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं आप। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।